क्या ड्रोन के जरिए ड्रग सप्लाई की फिराक में है पाकिस्तान? पंजाब की मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा। पुलवामा हमले के बाद हुए घटनाक्रम के उपरांत भारत पाक सीमा पर तनाव के बीच श्रीगंगानगर जिले में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन घुस रहे हैं। इन्हें भारत में घुसते ही सुरक्षा बल मार गिरा रहे हैं या फिर उन्हें पाकिस्तान सीमा में लौटना पड़ रहा है। अब तक एक दर्जन बार ड्रोन भारतीय सीमा में आ चुके हैं। सेना द्वारा बॉर्डर पर सख्ती किए जाने से अब पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई करने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब में मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बताया गया है कि 2018 में पाक से पंजाब में घुसे ड्रोन को जब टारगेट किया गया तो उसमें ड्रग्स पाए गए। इससे पता चला कि पाकिस्तान पंजाब में नशा सप्लाई करने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में बीएसएफ सेना, वायुसेना, आईबी, एनसीबी और पंजाब पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि पंजाब में नशीले पदार्थ जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, पर स्मगलर पंजाब में फिर से नशा कारोबार शिफ्ट करने की कोशिश में है। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर जिले में पिछले एक महीने से लगातार पाकिस्तानी ड्रोन आ रहे हैं। ज्यादातर ड्रोन उस हिंदुमल कोट क्षेत्र और उसके आसपास वाले इलाके में आए हैं जहां से हेरोइन तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।